बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी मेरता पहुंचे हैं। लाभानंद नाम का तांत्रिक है जिसे सब लाभानंद यति के नाम से जानते थे। उसकी तंत्र विद्या को और उसके ज्ञान को श्री जी किस प्रकार परास्त करते हैं, कैसे वो मौन धारण करके रहता है, किस प्रकार मेरता के राजा राम झांझन भाई और मकरंद जी का परिवार श्री जी पर ईमान लेके आता है, कैसे ललिता सखी श्री जी के चरणों में बलिहारी जाती है, कुर्बान होती है, और उसी मेरता के क्रम में हमने तामसी साधना और ध्यान की प्रक्रिया में अंतर के विषय में भी सुना। उसके पश्चात मेरता से ही अटक पार जसवंत सिंह की जागनी के लिए श्री जी ने गोवर्धन भट्ट जी को भेजा था, उस जसवंत सिंह के प्रसंग को भी हमने सुना। और मेरता से निकलकर श्री जी गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली की भी तक अब हम सुन रहे हैं। श्री जी दिल्ली में हैं और जहां पर सबसे पहले श्री जी रह रहे थे विट्ठल गौर के सैयद की हवेली में 6 महीने तक रहते हैं। कल की अंतिम चौपाई हमने दोहराई थी कि इन हवेली में आप मास 6 रहे तहां से लाल दरवाजे को ले चला उतके। अब सैयद की हवेली से लाल दरवाजे में पहुंचे हैं और जहां आकर औरंगजेब के लिए पत्र लिखा जा रहा है। 22 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के लिखने में श्री जी और लालदास जी दिन रात मेहनत की जाती है, क्योंकि इस प्रकार से लिखना है कि अपनी बात सामने वाले तक पहुंच भी जाए। इस प्रकार मेहनत करके पत्र तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद लाल दरवाजे में एक क्षत्रिय की हवेली लेकर के सुंदर साथ श्री जी के साथ वहां ठहरते हैं। अब वहां पर बैठ करके सुंदर साथ विचार विमर्श करते हैं कि इस संदेश को औरंगजेब तक कैसे पहुंचाया जाए। आसाजीत, जो कि गोवर्धन भट्ट के माध्यम से जिनकी जागनी हुई थी, वो वकील थे और उनका दरबार में आना जाना लगा रहता था। इस कारण दरबार के कायदे कानून को वो अच्छे से जानते थे, इसलिए उनकी सलाह ली गई। वो चिट्ठी दिखा करके, वो जो 22 प्रश्नों वाली पत्री दिखाकर सलाह ली गई, पूछा गया कि औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, ये हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। तो आसाजीत कहते हैं कि ए तो हिंदुवन का हमेशा रहत दुश्मन, प्रातः को मुंह न देखहीं ए आप कहावत मोमिन। औरंगजेब खुद को मोमिन कहता है, सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान कहता है, और प्रातः को वो हिंदुओं का मुख भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि उनके अंदर कट्टरता घुसाई गई है। बचपन से ही उसके जो मौलवी थे, काजी थे, वो सब औरंगजेब को कट्टरता की शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा दारा सिकोह कट्टर नहीं था जबकि बड़ा था। यदि दारा सिकोह बादशाह बनता तो शायद भारतवर्ष का नक्शा कुछ और होता, परिस्थिति कुछ और होती, क्योंकि वो तो स्वयं भी उपनिषद पढ़ता था। दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया था, क्योंकि उपनिषद तो संस्कृत में होते हैं, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, ये तो हिंदी भाषा भी पढ़ना नहीं चाहता था, हिंदुओं का मुख भी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए
आशा जीत कहते हैं कि सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान। ये हिंदुओं का मुख नहीं देखना चाहता तो हिंदी भाषा की जो पत्री है, चिट्ठी है, उसको ये क्यों सुनेगा। बहुत कट्टरता है उसके अंदर। और ये जो समय है वो भी मुसलमानों का समय चल रहा है, उन्हीं का साम्राज्य चल रहा है। इसीलिए इसको तो आप रहने दीजिए। हाँ, अगर कोई भाषा में परिवर्तन करके इसे फारसी में अनुवाद कर सके या उर्दू अरबी में अनुवाद कर सके तब औरंगजेब बात सुन सकता है। इस प्रकार विचार विमर्श की। कोई उस समय अनुवाद करने वाला था नहीं। और प्रतीक्षा करते करते 2 महीने बीत गए। श्री जी चर्चा करते हैं, वेद वेदांत की चर्चा होती है, कुरान की तो चर्चा नहीं करते, कतई पक्ष की चर्चा नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कुरान से सुनाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन इसी क्रम में एक दिन एक सूफी संत आते हैं। जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं, देखिए जो अध्यात्म की वास्तविकता का ज्ञान है उसमें केवल भाषा की बाधा आती है, भाषा का ही व्यवधान आता है। वरना भाषा वाले व्यवधान को हटा करके देख लिया जाए तो सभी धर्म ग्रंथों की जो मूलभूत बातें हैं, जो मानव मात्र को सिखाए जाते हैं, वे सभी तो एक ही जैसे होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं हिंदू धर्म ग्रंथ की ही बात करूं। मान लीजिए कि यहां पर हजारों मुसलमान बैठे हुए हैं। अगर वो भाषा के बंधन को न माने और ये कहें कि कोई भी अच्छी बात है हमें माननी है, और उसके बाद मैं मनुस्मृति के एक श्लोक पर चर्चा करता हूं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुष्य में धैर्य होना चाहिए, जिसको सब्र कहा जा सकता है, पेशेंस कहा जा सकता है, धैर्य होना चाहिए, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि मनुष्य के अंदर किसी को क्षमा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपने इंद्रियों पर, गुणंग इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, उनको काबू में रखना चाहिए, जिसको वो कहेंगे अपने हिरसो हवा को काबू में रखना, जिसको हम इंद्रियों का संयम कहते हैं, दमन कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, वो भी मानेंगे। पवित्र रखना चाहिए स्वयं को, तन मन सबको पवित्र रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। वो वजूद की पाकिजगी की बात करेंगे, कहेंगे वजूद को पाक रखो, दिल को पाक रखो। इसी तरह से इंद्रियों को, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे इंद्रिय हो, उसको परमात्मा की तरफ लगाओ, सेवा में लगाओ। बुद्धि को शुद्ध रखो, ज्ञान ग्रहण करो, विद्या है ना, सत्य बोलो और क्रोध मत करो। ये धर्म के 10 लक्षण हो गए। इसको अगर भाषा का परिवर्तन करके, चाहे अंग्रेजी में कहा जाए, चाहे उर्दू अरबी फारसी में या दुनिया के किसी भी भाषा में कहा जाए, कोई ये नहीं कहेगा कि ये काफिरों का धर्म है। अगर संस्कृत में केवल एक श्लोक कह दूं तो हो सकता है कि जो शरीयती कट्टर मुस्लिम हो वो कहेगा कि ये तो संस्कृत है, ये तो काफिरों की भाषा है, हमें क्या है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये जो भाषाई व्यवधान आ रहा है, भाषा क्या है वास्तव में? भाषा तो एक माध्यम है, मीडियम है। जो माध्यम है, जो कि साधन होना चाहिए, जो कि साधक सहायक होना चाहिए, वही बाधक कैसे बन रहा है? भाषा एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचाने की एक सीढ़ी है, एक पुल है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज पुल की जगह पर दीवार बनी हुई है। और भाषा ही दीवार के कारण ही लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि ये तो इनकी भाषा है। अच्छा, किसी और की भाषा में कह देने से सत्य झूठ थोड़ी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में सत्य कहता है, बशर्ते आपको समझ में आ रहा हो, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये संस्कृत में होगा तो हम मानेंगे।
अंग्रेजी में होगा तो मानेंगे, उर्दू अरबी में होगा तो हम मानेंगे, किसी विशेष भाषा को हम नहीं मानेंगे, हमारी अपनी भाषा को ही मानेंगे, ये नहीं होना चाहिए। और यही भाषाई कट्टरता ही वास्तव में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आंधी को जन्म देती है। तो जो सूफी संत आते थे श्री जी की चर्चा सुनते थे, अब श्री जी जो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो उपनिषदों की बात हो चाहे वेदांत की बात हो, इसमें कोई भेद थोड़ी है। जैसे वेद का कथन क्या है, वेद में एक मंत्र का कथन है, वेद का एक मंत्र कहता है कि हे परमात्मा जो तू है वो मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वो तू हो जाए, अर्थात कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है, ये वेद का कथन है। कितनी गहरी बात है। ब्रह्मवाणी इसी बात को आशिक और माशुक के रूप में देखती है कि जब माशुक प्रेम निभाए तो वही आशिक हो जाता है और जब आशिक प्रेम ग्रहण करे तो वह माशुक हो जाता है। इसमें अध्यात्म की गहराई है, प्रेम की गहराई है और इसी बात को सूफी संत क्या कहते हैं, मन कुंतो मौला फाहजा अली उल मौला, कि मैं जिसका मौला हूं अली भी उसी का है, अर्थात मेरे में और अली में कोई फर्क नहीं है, मोहम्मद साहब का कथन है। तो अध्यात्म की जो गहनतम बातें हैं वो सभी में एक जैसी है, लेकिन अंतर केवल भाषा का है। ये सूफी संत आता है श्री जी की चर्चा सुनता है, उसे भाषाई कट्टरता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, इत सूफी एक आवत चर्चा सुनाई ताए, मीठी लगी तिनको लालच को इत आए। चर्चा इतनी मधुर लगती है कि उसी लालच के कारण वो श्री जी की चर्चा सुनने प्रतिदिन आया करते हैं। इसी समय दिल्ली के एक और सुंदर साथ हैं जिनका नाम है दयाराम, श्री जी के चरणों में दृढ़ विश्वास लेकर के आते हैं और सबके देखते देखते श्री जी के चरणों में इस तरह से समर्पित हो जाते हैं कि आगे आकर के औरंगजेब को संदेश पहुंचाने वाले लोगों में 12 मोमिनों में उनका नाम शामिल होता है। और दयाराम को लाने की जो शोभा मिलती है वो मिलती है नैन सुख महाजन नाम के सुंदर साथ। नैनसुख महाजन दयाराम को लेके आते हैं, दयाराम चर्चा सुनकर के श्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास लेकर के आते हैं, उनके माध्यम से हरि प्रसाद और हरिकरण जी ये श्री जी के चरणों में आते हैं, चर्चा सुनते हैं और इस तरह से चर्चा सुनने आते हैं, कहते हैं ये दो भाई प्रेम सो चर्चा छिप के सुनते, चुप चुप के चर्चा सुनते हैं। कारण क्या, क्योंकि जो विचारधारा पुरानी चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही, जिसको साधारण मनुष्य क्या सोचता है कि ये धर्म है, धर्म और परंपरा में अंतर होता है और बहुत बड़ा अंतर होता है, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा अंतर। धर्म तो वो है जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना, 10 लक्षणों की बात सुनी, उसका पालन करने वाला धार्मिक होता है। आध्यात्मिकता इससे अलग है, आध्यात्मिकता इससे ऊपर की सीढ़ी है, लेकिन परंपरा क्या है, परंपरा देश काल और परिस्थिति के अनुरूप होती है। धार्मिकता सार्वभौमिक होती है और सार्वकालिक होती है, सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,124 वर्ष हुए, इतने वर्षों में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक धर्म की परिभाषा नहीं बदली। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना आज से 1,96,00,000 वर्ष पहले भी धर्म था और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी सत्य जो है वह धर्म के रूप में ही रहेगा। तो धर्म सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, जबकि परंपराएं देश काल परिस्थिति के आधार पर होती है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि कहीं कहीं पर मृत्यु के समय में 13 दिन तक मृतक का कर्म करने की परंपरा है, जलाने के बाद भी घर पर रह करके सिर इत्यादि मुंडन करके बिना नमक खाए उबला हुआ भोजन लेकर के
13 दिन तक शोक मनाने की परंपरा है, और कहीं कहीं पर यह केवल 4 दिन में समाप्त कर दिया जाता है, कहीं कहीं पर 7 दिन में समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों में क्या परंपरा है पता है? जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर यह परंपरा है कि जैसे आज किसी के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और यदि उनके पास समय नहीं है, समय का मतलब जैसे अभी खेती का मौसम चल रहा है ना, तो वो अभी 13 दिन तक शोक मनाने लग जाएंगे तो काम कौन करेगा, इसलिए वो अपना काम करते रहते हैं। फिर मान लो काम वाम सारा निपटा दिया, अब फ्री है तो कहते हैं कि अब हम मृतक का संस्कार करेंगे। जलाना दफनाना वो पहले हो जाता है, लेकिन जैसे मृतक के नाम पर कुछ दिनों तक जो शोक मनाया जाता है, मुंडन इत्यादि करके, बिना नमक के फीका खा करके, तो ये जो भी परंपरा रहती है वो 6 महीने बाद भी होगा तो 6 महीने बाद निभाएंगे, लेकिन करेंगे। ये क्या है? ये सभी अपने अपने सुविधा के हिसाब से लोगों ने परंपराएं बनाई है। और परंपराएं कैसे होती है देखिए, कहते हैं कि एक पीढ़ी का आडंबर दूसरे पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। जैसे इसके लिए मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया है कि एक पंडित जी थे, उनके घर पे बिल्ली थी। पंडित जी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे तो बिल्ली लेके जाते थे, ये सोच करके, क्योंकि घर पे पंडिताई नहीं थी, वो गुजर गई थी, तो उन्होंने सोचा कि बिल्ली कभी या तो दूध में मुंह मारेगी, खाने में, भोजन में मुंह मारेगी, इससे अच्छा ये है कि मंदिर लेके जाएं। लेकिन एक जगह पे तो रुकती नहीं थी, तो वो जहां खड़े होकर के पूजा करते थे उसके पास में ही बिल्ली को बांध देते थे, वो गले में थोड़ा सा चेन जैसा लगा करके, जैसे पालतू जानवर को बांधते हैं वैसे ही बिल्ली को बांध देते थे और पूजा निपटाते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद पुजारी का पद कौन संभालेगा, मेरा बेटा, तो बेटे को भी उन्होंने पूजा सिखानी प्रारंभ की। अब बेटा क्या देखता है कि पिताजी बिल्ली लेके आते हैं, बांधते हैं, और उसके बाद में पूजा इत्यादि करते हैं, भोग लगाते हैं, और उसके बाद में बिल्ली को खोल देते हैं। अब पिताजी क्यों कर रहे हैं, कारण का उसको पता ही नहीं, उसको लगा कि पूजा करने से पहले बिल्ली को बांधना पड़ता है। अब बिल्ली कुछ समय के बाद मर गई, पिताजी भी कुछ समय के बाद गुजर गए, तो वो क्या करता था लड़का, पूजा करने से पहले पड़ोसी के पास जाता था, बिल्ली मांग के लेके आता था और मंदिर में बांध करके पूजा करता था, और फिर बिल्ली खोल करके पड़ोसी को दे आता था। क्या कारण है? क्योंकि अज्ञानता है, पता ही नहीं। तो इस तरह जो परंपराएं हैं वो ऐसे चलती हैं, परंपराओं का जो कारण है वो अज्ञानता है। हाँ, प्रत्येक परंपरा का कारण अज्ञानता नहीं होती है, कुछ परंपराएं वैज्ञानिक होती हैं लेकिन लोगों को कारण नहीं पता होता है। जैसे प्रायः सभी घरों में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा है और उसको जल देने की परंपरा है, पर कारण क्या है इसका? तुलसी एक औषधीय वनस्पति है, उसकी जड़ से लेकर के, उसके डंठल से लेकर के, पत्ते से लेकर के फूल तक एक एक अंग में औषधीय गुण होता है, इसीलिए पहले ये परंपरा बनाई गई कि हर घर में लोग तुलसी लगाएं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जागरूकता के अभाव से लोग आलस्य करने लगते हैं, नजरअंदाज करने लगते हैं कि अरे कौन रोज रोज पानी डाले। तो ये परंपरा बनाई दी गई कि किसी देवता के नाम पर, किसी देवी के नाम पर, भगवान के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर ये कराया जाए। तो उन्होंने एक कहानी बना दी और जोड़ दी कि देखो ये जो तुलसी है ये वृंदा है, और विष्णु जी का अगर किसी को उनकी भक्ति करनी है तो तुलसी की आवश्यकता पड़ती है, और फिर उनको जल चढ़ाया जाने लगा। पेड़ों में जल चढ़ाया नहीं जाता है, पेड़ों में जल डाला जाता है, पर उन्होंने क्या किया, उसको पूजा के रूप में ले लिया। इस तरह से ये परंपरा बनी। वास्तव में तो ये वृक्षों की पूजा का मतलब क्या है, उनकी नौलाई गुड़ाई ढंग से की जाए, उनमें खाद पानी डाला जाए, यही तो पूजा है। सबकी पूजा होती है ना, अतिथि की पूजा का तात्पर्य है अतिथियों का सत्कार, गुरु की पूजा का तात्पर्य है गुरु का सम्मान और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। इसी तरह से प्रत्येक स्थान पर पूजा का अलग अलग भाव होता है। जैसे
पार्वती जी के मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की जो कथा आती है उसमें पुराण में ऐसा लिखा है कि पार्वती जी ने जब गणेश जी को गुफा के बाहर खड़ा किया, किसी को अंदर आने के लिए मना किया उन्होंने, उस समय देवता सभी थे वो गणेश जी को मनाने के लिए गए कि तुम शिव जी को अंदर जाने दो। नहीं मानने पर सभी लोग गणेश जी से लड़ने के लिए तैयार हुए, तो पुराण में वर्णन आता है कि गणेश जी ने अपने डंडे से सभी देवी देवताओं की पूजा की। तो वहां डंडे से पूजा करने का तात्पर्य क्या है? गणेश जी ने पीटा है कि नहीं? तो जैसा देव वैसी पूजा, समझ रहे? तो वनस्पतियों की, पेड़ों की पूजा का तात्पर्य है उन पर उनको खाद पानी देना, उनकी देखभाल करना। लोगों ने पीपल की पूजा करनी शुरू की तो पीपल की पूजा कैसे करते हैं? दिया जलाया जाता है। पीपल को दिया क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। पर पीपल पंच महावृक्षों में आता है। पीपल भी सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में से एक है। लोग उसको न काट दें इसीलिए ये कहा जाने लगा कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, इसको नहीं काटना चाहिए। अगर ऐसे कह देते कि नहीं ये पेड़ है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, लोग लापरवाही करते। इसीलिए किसी न किसी देवी देवता के नाम पर डराया गया। हमारा समाज धर्मज्ञ नहीं है ना, धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला नहीं है। हमारा समाज धर्म भीरु है, धर्म भीरु अर्थात धर्म के नाम पर डरने वाला है। अगर जानने वाला होता तो सही ढंग से करता, तो इस तरह अंध परंपराएं प्रारंभ नहीं होती। तो जो लोग अंध परंपराओं का को ही धर्म समझ रहे होते हैं उन्हें जब वास्तविक बात बताई जाती है तो विरोध करते हैं। इसीलिए बोलने वाले को भी धीरे धीरे बोलना पड़ता है, सुनने वाले को भी चुपके चुपके सुनना पड़ता है। तो हरि प्रसाद और हरिकरण चुपके से सुनने जाते हैं ताकि उनके माता पिता जो परंपरागत रूप से किसी और विचारधारा को धर्म समझ रहे वो उसका विरोध ना करें। इस प्रकार ये दोनों भाई प्रेम पूर्वक आते हैं। इसी तरह भिखारी दास जी को भी श्रीजी की चर्चा सुन करके श्रीजी के स्वरूप की थोड़ी सी पहचान होती है, ऊपरी पहचान होती है। यहाँ चौपाई लिखी है कि और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। कौन सी पहचान की? ऊपरी पहचान। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि श्रीजी की ऊपरी पहचान क्या होती है, तो आप क्या जवाब दीजिए? ऊपरी पहचान जो कि अवास्तविक है वो किसे कहा जाएगा? किसको ऊपरी पहचान कहेंगे? मैं बताता हूं। ऊपरी पहचान का तात्पर्य है श्री जी को परब्रह्म अक्षरातीत के अलावा कोई किसी भी रूप में देखता है, धाम धनी के अलावा कोई किसी भी रूप में देखता है तो वो ऊपरी पहचान है। जैसे जयराम भाई ने सबसे पहले मिहिर राज के रूप में देखा, ये ऊपरी पहचान हो गई कि मिहिर राज आए हैं, मेरे गुरु भाई आए हैं। महाओजी भाई ने भी यही देखा कि देवचंद्र जी के साथ ही हमने तारतम लिया तो हम कैसे हुए? एक ही गुरु के शिष्य है ना, तो हम सहपाठी हुए या गुरु भाई हुए, तो किसी ने इस रूप में देखा। तो कोई श्री जी को, श्री प्राणनाथ जी को देवचंद्र जी के शिष्य के रूप में देखता है, कोई श्री कृष्ण जी के भक्त के रूप में देखता है, कोई छत्रसाल जी के केवल गुरु के रूप में देखता है, कोई संत के रूप में, कोई कवि के रूप में देखता है, ये अच्छा कोई अच्छे साधु के रूप में देखता है, कोई चमत्कारी के रूप में देखता है, कोई क्षत्रिय साधु के रूप में देखता है। ये सभी पहचान ऊपरी पहचान है। और अंदर की पहचान क्या है? श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो नहीं मिसल मातवर। धाम धनी की जो पहचान है, श्री जी को जो धाम धनी के रूप में पहचानेगा वो उनकी वास्तविक पहचान है। साक्षात अक्षरातीत के रूप में कैसे कि साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम चिन्हा तुम्हें बनाए, ये वास्तविक पहचान है। इसके अलावा अगर कोई किसी और रूप में पहचानता है
तो वो सब ऊपरी पहचान है। भिखारी दास ने श्री जी को ऊपरी रूप में पहचाना और कुछ थोड़ी सी सेवा की, अपने घर में पधराया, श्री जी को भोजन इत्यादि कराया, इतना उन्होंने लाभ लिया। साथ में एक और सुंदर साथ आते हैं गंगाराम, और गंगाराम आते हैं तो कैसे आते हैं, कहते हैं गंगाराम आवत खाली हाथों न कब, पावे भली वस्त बाजार में राज आगे धरे सब। वो कभी भी खाली हाथ नहीं आते श्री जी के पास, और बाजार में जो कुछ भी अच्छा दिखता है वो श्री जी के लिए लेके आते हैं। आप भी बाजार जाइए, अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आइए। सुंदर सा सरसावा से आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। उस समय राज जी प्रत्यक्ष रूप से श्री जी के रूप में लीला कर रहे हैं, मिहिर राज जी के तन में, इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के। चूंकि गंगाराम जी ने अभी वाणी नहीं पढ़ी है, तो गंगाराम जी के मन में भाव है, अतुल्य भाव है, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं वस्तुओं को देकर के श्री जी को प्रसन्न करूं। लेकिन आपको पता है अभी कि श्री जी को देना है तो क्या देना है, किसी वस्तु से तो नहीं होगा कि हम महंगी वस्तु ला करके दे दें, और ला के देंगे तो किसको देंगे। आप मान लो कि चावला डेयरी से बढ़िया मिठाई लेके आए, सरसावा से क्वालिटी स्वीट से लेकर के आए कुछ भी, तो राज जी मिठाई तो खाने वाले हैं नहीं, लेकिन राज जी तक आपका भाव पहुंचेगा। आप महंगे से महंगे रुमाल लेकर के आए, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रुमाल रखे हुए हैं, और यही नहीं, मान लीजिए कि सोने के धागों से बने हुई इसमें बूटियां हो, बेल पत्र इत्यादि बने हो, लाखों रुपए का रुमाल हो, श्री जी उससे भी प्रसन्न होने वाले नहीं। अगर श्री जी को रिझाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो सबसे कीमती वस्तु है और जो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, वो श्री जी को देना है। और वो क्या है, वो है आपका हृदय, वो है आपका दिल। जिस दिन आपने अपना दिल दे दिया, जिस दिन आपने अपना दिल राज जी को दे दिया, उस दिन तो सब कुछ दे दिया ना, फिर वस्तुएं अपने आप ही जाती रहेंगी। और दिल देना कब होता है, जब पहचान होती है और प्रेम होता है। तो इसलिए वर्तमान में राज जी को रिझाना है तो वस्तुओं से नहीं रिझाया जा सकता है, राज जी को रिझाना है तो दिल देना पड़ेगा। गंगाराम जी ने भी केवल वस्तु नहीं दी, उन्होंने अपना दिल दिया है, पर साथ में क्योंकि प्रत्यक्ष तन से हैं सेवा स्वीकार करने के लिए, तो वो वस्तु भी लेकर के जाते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाते। इसी प्रकार दयाराम जी विभिन्न तरह की मिठाइयां लेकर के, नए नए मेवे इत्यादि लेकर के आते हैं। चंचल एक सुंदर साथ है, वो तो अपनी ही दुकान से चुपके से सामान लेकर के जाते हैं, क्यों है तो अपनी ही दुकान, पर स्वयं की दुकान से चोरी करनी पड़ रही है। चौपाई में कहते हैं, चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, ल्यावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी। दूसरे की दुकान में नहीं जा रहे हैं, पर अब घर के लोग तो हिसाब रखते हैं ना, एक एक चीज गिन के रखते हैं दुकान में, और सामान्य रूप में व्यापार का नियम भी है, पर उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, तो उनकी दुकान में हर चीज गिनी हुई होती है। और कैसे गिनी होती है, मैं आपको एक हास्यास्पद किस्सा सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि मिठाई की दुकान पर एक लड़का बैठा हुआ था, कोई बड़ा नहीं था, तो उधर से कोई व्यक्ति गुजर रहा था। अब मिठाई को देख करके लालच तो सबके मन में आता है, तो उसने पूछा कि बेटा सामने इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले रखे हुए हैं, इनको देख करके तुम्हारे मन में खाने का मन नहीं करता है, लालच नहीं होता है। तो वो लड़का कहता है कि क्या करें, पिताजी गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के रख देता हूं, खा नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर चीज गिनी हुई होती है दुकानों में, लेकिन चंचल जी क्या करते हैं, चुपके से श्री जी की सेवा के लिए लेकर के जाते हैं।
और वो जो चोरी करते हैं पकड़ी तो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा गिन के रखते हैं। तो क्या होता है, कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश, परिवार के लोग लड़ते हैं और मना करते हैं कि इस तरह से लेके मत जाया करो, लेकिन तिनका मोह मार के काहू न गिनत खेस, वो किसी की सुनते ही नहीं है। उनके मन में सेवा की भावना है तो वो कहते हैं कि आप लोगों को जो कहना है कीजिए, मेरे हिस्से में से काट लीजिए, ऐसा कहते होंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या कहेंगे, और लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र पंसारी हैं जिन्होंने श्री जी की ऊपरी पहचान की, और ऊपरी पहचान आप समझ गए होंगे, इसके बाद या इससे पहले कहीं पर भी ऊपरी पहचान का जिक्र आएगा या भविष्य में आप किसी से भी सुनेंगे तो वहां ऊपरी पहचान का तात्पर्य यही समझना कि जिसने भी श्री जी को, श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के अलावा, धाम धनी के, प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम के अलावा, मूल स्वरूप राज्य के अलावा और कुछ भी समझा, संत कवि साधु शिष्य गुरु भक्त ऐसा कुछ भी समझा, तो ये सब ऊपरी पहचान है। तो रामचंद्र पंसारी ने भी उतनी ही पहचान के साथ सेवा की। और एक आए महाजन जेठा वेदांती, वेदांत की चर्चा करने वाले वेदांती हैं। श्री जी की चर्चा सुनी, प्रभावित भी हुए, शब्दों से उनको श्री जी के स्वरूप की थोड़ी पहचान भी हुई, लेकिन विश्वास नहीं आया पूर्ण रूप से, इसलिए वे शून्य निराकार से पार नहीं पहुंच पाए। इस तरह दिल्ली में अंदर ही अंदर थोड़ी थोड़ी जागनी तो हो रही है, पर वहां दिल्ली में रहने का मूल मुद्दा क्या था, सकुमार को जगाना, औरंगजेब को संदेश देना। तो अब विचार विमर्श करने लगते हैं कि औरंगजेब बात कैसे सुनेगा, उस तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, और यहां रहकर तो कर पाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है, कोई ऊंच नीच, और औरंगजेब सुंदर साथ के बारे में जान गया और उन्हें कष्ट दिया तो क्या होगा। इससे अच्छा यह है कि यहाँ से बाहर कहीं और जगह पर रहते हैं, पहले पूरी योजना बनाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से औरंगजेब तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ऐसा विचार करके श्रीजी साहेब दिल्ली से निकलते हैं और शाहजहांपुर बोड़िया पहुंचते हैं, और वहां जा करके विचार विमर्श करते हैं कि कैसे जागनी की जाए। पर इससे पहले एक प्रमुख घटना होती है। दिल्ली से निकलने से पहले, शाहजहांपुर बुढ़िया जाने से पहले, और शाहजहांपुर बुढ़िया कहाँ पड़ता है आप जानते हैं? आप अभी गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो दो अलग अलग जगह है, पहले एक ही नाम से था शाहजहांपुर बुढ़िया, आज शाहजहांपुर और बुढ़िया आसपास में ही है। एक यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है शाहजहांपुर, और बुढ़िया पड़ता है लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये जो क्षेत्र हमारा है यमुनानगर के आसपास का, वो पड़ता है शाहजहांपुर बुढ़िया के क्षेत्र में। तो श्री जी सुंदर साथ के साथ यहाँ पर आते हैं, आए होंगे, ज्ञानपीठ भी था नहीं उस समय पर, जगह तो थी ना, जमीन थी। और चूंकि देखिए यमुना नदी वर्तमान में 5 किलोमीटर दूर बहती है कि नहीं, पर यही यमुना नदी आज से लगभग 50-60 साल पहले वहां नहीं थी और नजदीक थी, और 100 साल पहले हो सकता है इसी जगह से बहती हो, क्योंकि आप नदियों के विषय में जानते हैं, नदी जब बाढ़ आती है तो मिट्टी काटते 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 दूसरी तरफ उसका दिशा परिवर्तन होता रहता है। तो आज तो 400 वर्ष हो गए, और जितने भी साधु संत इत्यादि होते हैं वे ठहरते हैं तो नदियों के किनारे पर ही ठहरते हैं। पन्ना जी पहुंचे तो पहले कहाँ पहुंचते थे, खिलखिला नदी के किनारे ना। इसलिए मेरा तो ये विश्वास है कि कोई माने या ना माने, श्री जी यहाँ पर आए थे, ऐसे ही तो इस जगह को दिल में नहीं लिया होगा राज जी ने ज्ञानपीठ बनाने का, ठीक है, ये मेरा भाव है। खैर, तो दिल्ली की घटना का मैं वर्णन कर रहा था, श्री लालदास जी ने जो बीतक में वर्णित किया है कि इस समय जब श्री जी दिल्ली में हैं, सूरत से लक्ष्मीदास एक सुंदर साथ आते हैं, रूपाबाई को लेकर के अपनी बेटी जमुना जी के साथ, साथ में नारायण दास जी हैं, गोविंद जी हैं, रामबाई, सभाचंद, ऐसे कई सुंदर साथ आते हैं।
और सुंदर साथ क्या करते हैं कि जहां भी जाते हैं लंबे समय तक रुकना होता है तो वहां घर ले लेते हैं, क्योंकि आज के जैसी तो जनसंख्या थी नहीं। आज तो किराए पर मकान मिलना भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है, पहले ऐसा नहीं था। तो वहां पर घर ले लेते थे किराए पर, वहां पर ठहरते थे, फिर जाते थे, वहां से निकल जाते थे। तो लक्ष्मीदास जी जिस घर पर ठहरे हुए थे वहां एक चमत्कारी लीला होती है, और इस घटना को आपको बहुत ध्यान से सुनना आवश्यक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस पर पूरे सुंदर सात की विश्वास की बुनियाद है ये। ऐसा क्यों मैं आपको बाद में बताता हूं। लक्ष्मीदास जी के घर पर एक चमत्कारी लीला होती है, आड़ी का लीला होती है, और वो ये है कि राजजी वहां दर्शन देते हैं लक्ष्मीदास जी को और भोग ग्रहण करते हैं। जब भोजन लगा भोग लगाते हैं तो राजजी वहां प्रकट होकर के भोजन ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि आठवें दिन, आज से आठवें दिन तुम्हारे द्वारा सकुमार की जागनी होगी। अब लक्ष्मीदास जी जब श्री जी के पास आते हैं तो कहते हैं कि मेरे से सकुमार की जागनी का राज जी ने वचन दिया है कि आठवें दिन सकुमार की जागनी होगी। श्री जी ने बहुत आदर किया उनका और कहते हैं कि इनको मेरे पास बैठाइए। सामान्य रूप में तो श्री जी जब चर्चा करते हैं सुंदर साथ नीचे बैठ के सुनते हैं। श्री जी ने कहा कि इनको मेरे पास बैठाइए, क्योंकि श्री राज जी की ऐसी कृपा हर किसी पर नहीं होती है, किसी किसी पर होती है, और जिस पर भी ऐसी कृपा हो वो अगर चाहे तो मेरे से भी आगे बढ़ करके जागने का कार्य कर सकता है। अगर कोई मुझसे आगे बढ़ करके जागने का कार्य करना चाहे तो मुझे स्वीकार है, मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। मुझे किससे मतलब है? मुझे तो मतलब है जागने से। यदि कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहता है और ये चाहता है कि नहीं बराबरी में बैठूंगा तो बराबरी में भी बैठे, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर सदगुरु धनेश्री देवचंद्र जी ने जो राह दिखाई है जिस पर मैं सबको चलाने का प्रयास कर रहा हूं, तो कोई मेरा पीछा ना छोड़े, अर्थात मैं जैसा बता रहा हूं सुंदर साथ उस प्रकार से करें। तो श्री जी ने तीन विकल्प दिए, आगे बढ़ना है, बराबरी में बैठना है, या फिर पीछे पीछे चलना है। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि मैं आगे तो नहीं बैठ सकता, पर चूंकि मेरे से जागनी हो रही है, वो भी किसकी? औरंगजेब की, सकुमार की, इसलिए मैं श्री जी की बराबरी में तो बैठ सकता हूं, उनकी बराबरी तो कर सकता हूं। इस तरह से वो बराबरी में बैठने लग गए। अब दो तीन दिन बीता, पहले दिन जैसे ही बैठे भीम भाई और श्याम भट्ट ताना मारते हैं श्री जी को, जब प्रणाम करते हैं धाम के धनी करके, तो लक्ष्मीदास जी को भी प्रणाम करने लगे कि धाम धनी श्री लक्ष्मीदास जी को प्रणाम। अब लक्ष्मीदास जी को शर्म आई कि कहां मैं श्री जी के बराबरी में हूं, लेकिन इतनी भी नहीं आई थी शर्म कि पहले दिन उठ जाते, नहीं उठे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो दो तीन दिन के बाद में उनको इतनी ज्यादा शर्म आई कि उन्होंने पास में बराबरी में बैठना बंद कर दिया, सभी सुंदर साथ की तरह नीचे बैठने लग गए, और इस प्रकार आठ दिन व्यतीत हुए। आठ दिन के बाद आठवें दिन जब राज जी प्रकट होते हैं तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं प्रणाम करते हुए कि आज आठवां दिन है, आप ने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए और मेरे से आप जागनी करवाइए। जैसे ही यह बात हुई श्री राज्जी अंतर्ध्यान हो गए, ओझल हो गए, वहां से नजरों से हट गए, और अब उनकी हंसी हुई सब सुंदर साथ के बीच में, क्योंकि आठवें दिन गए तो सब सुंदर साथ ने पूछा कि लक्ष्मीदास जी महाराज आज तो आठवां दिन है, कहाँ है सकुमार? इस तरह से लक्ष्मीदास जी की बहुत हंसी हुई। और हंसी का कारण क्या है, अब मैंने पहले कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? वो ये कि इस समय तक कलश की वाणी अवतरित हो चुकी है, खट ऋतु की वाणी अवतरित हो चुकी है, जिसमें इंद्रावती जी को सारी शोभा मिली है। कलश गुजराती की वाणी अवतरित हो चुकी थी,
अभी अनूप शहर नहीं गए हैं, हिंदुस्तानी का अवतरण नहीं हुआ है, पर सूरत में जो कलश गुजराती का अवतरण हुआ उसमें इंद्रावती जी को सारी शोभा दी थी राज्य ने, कि इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेणे प्रेमे रमाणु रंग, सुख लेऊं सुख देऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती ने उपमा मैं दही मारी हाथ। ये जो जागनी वाला प्रकरण है पूरा इंद्रावती जी के ऊपर राज्य ने पूरी शोभा दी, तो वो शोभा किसी और को कैसे मिल सकती है। सनंद की वाणी कहती है कि तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई, क्या है कई हुए कई होएसी, पर किन ब्रह्मांड ना है, किसी भी ब्रह्मांड में वो शोभा अब किसी को नहीं मिल सकती। तो जागनी की सारी शोभा किसको है, इंद्रावती जी को। वो शोभा श्यामा जी को भी पहले तन में नहीं मिली। कहते हैं सुंदर बाई ये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुधना। ऐसा नहीं कि श्यामा जी को ज्ञान नहीं था, पर शोभा मिली ही नहीं। हाँ, एक तरफ राजी ने ब्रह्मवाणी को ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का कहते हुए श्यामा जी की रसना कहकर शोभा दी है, पर जागनी की सारी शोभा किसके ऊपर है, इंद्रावती जी के ऊपर। और यहाँ पर भी छठे दिन की लीला में अगर कोई भी ब्रह्मात्मा जागनी कर रही है तो वो महामती जी के आदेश को सिरोधार्य करके कर रही है, और उसमें भी इंद्रावती जी ने जो कहा कि हिस्सा देऊं आवेश का सब संयोग पे पूरन, तो वहाँ महामती जी के हृदय में विराजमान राज जी ही उन ब्रह्मात्माओं को, उन परमहंसों को वो शक्ति देते हैं जिससे कि उनके द्वारा जागनी होती है। इसलिए हर परमहंस हर ब्रह्मात्मा जब चितवनी करती है तो या तो अपने सदगुरु का ध्यान करती है या फिर गुम्बट जी में विराजमान सेवा का, और गुम्बट जी की सेवा का ध्यान करते हुए यही भाव होता है कि यहाँ पर महामती जी विराजमान है जिनके हृदय में पांचों शक्ति है। तो इस तरह से सारी शोभा महामती जी को है। और दूसरी शिखापन क्या है, दूसरी शिखापन ये है कि जब वाणी में ऐसी बात लिखी है कि सारी शोभा महामती जी को है, इंद्रावती जी को है, तो इस जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो स्वयं राज्जी बने। आजकल तो राज्जी कहलाने की होड़ मची है ना, मार्केट में बहुत सारे राज्जी हैं। आप जिस शहर में जाएंगे जहाँ थोड़े सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे महाराज जी में तो राज्जी बैठ करके चर्चा करते हैं। और ऐसे कई राज्जी समाज में चल रहे हैं। और ये क्या है, ये भ्रामक तथ्य है। देखिए, इस जागनी के ब्रह्मांड में कोई सुंदर साथ विद्वान हो सकता है, प्रचारक हो सकता है, परमहंस भी हो सकता है, पर राज्जी राज्य नहीं हो सकता। अक्षरातीत कहलाने की शोभा पूरी किसको है, इंद्रावती जी को है। क्या कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, नाम सिंगार शोभा सारी मैं भेख तुम्हारो लियो। तो सारी शोभा इंद्रावती जी को है, कोई और इस जागनी के ब्रह्मांड में राज्य कहला ही नहीं सकता है। हाँ, इसे ऐसे समझना चाहिए कि यदि किसी परमहंस के द्वारा जागनी हो रही है तो उस तन के रहते उन परमहंस की सेवा वैसे ही करनी है जैसे कि श्री जी की उन वो ब्रह्ममुनि सेवा करते थे, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर वो तन नहीं है तो उस तन की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, उस तन की फोटो की पूजा नहीं करनी है, समाधि की पूजा नहीं करनी है। आप समाधि जाइए दर्शन के लिए, उनके गुणों को याद कीजिए, क्योंकि उस समाधि वाले स्थान में उन परमहंसों ने साधना की होती है, वहाँ का जो आभा मंडल है वो पवित्र होता है। तो आप वहाँ बैठ करके ध्यान कीजिए, पर उस परमहंस के तन का नहीं, उसके अंदर बैठ करके लीला करने वाली शक्ति का जो महामती जी के हृदय धाम में विराजमान है। तो सुंदर साथ को ये बताने के लिए कि सुंदर साथ वाणी से जुड़े, और वाणी के विपरीत अगर कोई राज्जी भी आकर के कहते हैं या तथाकथित राज्जी कहलाने वाले लोग कहते हैं तो सुंदर साथ किसको प्रधानता देंगे, वाणी को प्रधानता देंगे। लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत सारे नए नए राज्जी पैदा होते हैं,
और उनकी मैं कभी कभी संयोगवश YouTube, Facebook इत्यादि में चर्चा भी सुन लेता हूँ, और उनकी बातें वाणी के विरुद्ध होती है, लेकिन आंख बंद करके कह देते हैं कि सुंदर साथ जी, मेरी अंतरात्मा को ऐसा लग रहा है, और सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि अच्छा, अंतरात्मा की पुकार है, राज जी बोल रहे हैं शायद, जबकि राज जी ने वाणी में कुछ और कहा है। तो सुंदर साथ को क्या देखना चाहिए? वाणी को देखनी चाहिए। और वाणी के विपरीत राज जी ने यही बात कही कि वाणी के विपरीत अगर मैं आकर के कहूं तब भी मेरी बात मत मानना। किसको मानना? वाणी को। और राज जी ने वाणी के विपरीत कोई बात नहीं बोली थी। आपको लग सकता है कि राज जी ने झूठ क्यों बोला? राज जी तो झूठ नहीं बोल सकते। लक्ष्मीदास जी को झूठा वादा क्यों किया? सिखाना था तो अलग तरीके से सिखाते, पर झूठ नहीं बोला राज जी ने। आपने अभी वित्तक के प्रारंभिक दूसरे दिन की चर्चा में सुना कि राज जी की कितने दिन की लीला है? 7 दिन की है कि नहीं? पहला दिन कौन सा है? ब्रज। दूसरा दिन रास। तीसरा दिन अरब। चौथा दिन देवचंद्र जी की लीला। पांचवें दिन श्री जी के द्वारा लीला। छठा दिन ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा। सातवां दिन योग माया के ब्रह्मांड में न्याय की लीला। आठवें दिन की लीला का कहीं वर्णन है? और राज जी ने क्या कहा था? तुम्हारे द्वारा कौन से दिन लीला होगी? आठवें दिन जागनी होगी। 8 दिन की तो बात ही नहीं है, तो लक्ष्मीदास जी को समझना चाहिए था। तो ये गेम हो गया थोड़ा सा उनके साथ, है कि नहीं? तो राज जी ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ घुमा करके बात कही, और उस घूमी हुई बात के पीछे ये इतना बड़ा सिखापन था कि कोई भी सुंदर साथ जागनी के ब्रह्मांड में किसी और को राज जी न बनाए, गली गली में किसी को भी राज्य मानने की भूल ना करे। और जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए जो नियम है ब्रह्म सृष्टियों का, तो वही धर्म है ना। और ब्रह्म सृष्टि किसी को भी राज्य मान करके अगर किसी भी व्यक्ति के पीछे लग जाएगी कि नहीं, ये हमें तो राज्य जैसे लगते हैं। देखिए, किसी की बातें बहुत मीठी हो सकती है, बोलने की कला हो सकती है, आश्चर्यजनक विद्वत्ता हो सकती है, विलक्षण तार्किकता हो सकती है, लेकिन राज्जी, राज्जी तो वो है कि विद्वत दमन भट्टाचार्य अपने बैलगाड़ी में पूरी किताबें रख करके शास्त्रार्थ के लिए जाएं, और श्री जी 5-5 साल की बालिकाओं के मस्तक पर ऐसे हाथ रख दें, सिर रख दें, और उनके आशीर्वाद से वे बालिकाएं अब कहूं मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही सुन, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। ये प्रकटवाणी की जो उपायियां हैं, पर इसमें वेद का गहन भाव है। राज्य की कृपा से ऐसा होता है, ये वेदों के मंत्रों का भाव है इसमें। ना सदासिन्नो सदासित तदानीम नासित रजोनो व्यमा परोयत, किमा वरी वह कुहकस्य सर्व नंभ किमासित गहनम गभीरम, न मृत्यु आसित अमृतम न तरही, न रात्र्या अहन आसित प्रकेतः, आनीदवातम स्वधया तदेकम, तस्मा धनन्य पर किम जनास। ऐसे ऐसे वेद मंत्रों का भाव 5 वर्ष की बच्चियों के द्वारा जो केवल अपने आशीर्वाद से प्रकट कराए, वो राज्जी है। राज्जी वो है जिनकी, मैं केवल आड़ी का लीला की बात कर रहा हूं, मैं केवल उनकी सामर्थ्य की एक झलक दिखा रहा हूं, अनंत सामर्थ्य में से एक बूंद मात्र। कि राज्जी वो है कि अपनी इच्छा से पन्ना जी की धरती हीरा उगलने लगती है। आज इस समाज में आप जिनको राज्जी कहते हैं या जो स्वयं को राज्जी कहलाते हैं, क्या उनमें ऐसी सामर्थ्य है? राज्जी वो हैं जिनके सत अंग अक्षर ब्रह्म के पलक से एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। और समाज में आज जो राज्जी के नाम पर उत्पन्न हो रहे हैं, वो स्वयं से एक धूल के कण की रचना करके अगर दिखा दें, तो हम मान जाएंगे कि हाँ, इनमें कोई शक्ति है, पर वो धूल के कण भी नहीं बना सकते। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को राज्जी समझने की भूल ना करें। हाँ, आप गुरु के रूप में, प्रचारक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में उनका सम्मान कीजिए,
उनके ज्ञान को ग्रहण कीजिए। यदि वाणी के अनुरूप कोई बात बताई जा रही है, आपको राज्य से जोड़ने की बात बताई जा रही है, चितवने की बात बताई जा रही है, आप मानिए, उनकी बात का पालन कीजिए, लेकिन राज्य का स्थान किसी को भी मत दीजिए। ये शिक्षा देने के लिए लक्ष्मीदास जी की हांसी कराई गई, और ये वही लक्ष्मीदास जी हैं जिनकी एक बार हांसी हुई, उन्हें समझ में बात आई। लेकिन आज समाज में बार बार हंसी होती है। मैं कई बार देखता हूँ, लगभग राज्य की कृपा से 18 वर्ष हो गए ज्ञानपीठ में रहते हुए, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में थोड़ी बहुत सुंदर साथ के बीच में वाणी की सेवा करते हुए भी लगभग 16 वर्ष हो गए, और इतने वर्षों में अलग अलग स्थान पर जा करके पता चला कि हर स्थान पर अलग अलग लोगों को राज्य का दर्जा दिया जाता है, और फिर उन लोगों से जिन्हें राज्य मान रहा है समाज, उन लोगों से मिला, उन लोगों का व्यक्तित्व देखा, तो पता चला कि राज्य की तो बात छोड़ दीजिए, एक साधारण धार्मिक मनुष्य में होने वाले गुण भी नहीं है। मैं इसी समाज की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए कोई भी सुंदर साथ इस प्रकार की भूल ना करे, मूल स्वरूप राज्य को पकड़े, उनकी ब्रह्मवाणी को पकड़े। हाँ, उनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर परमहंस तक हो सकता है, पर उससे बड़ी शोभा और किसी को नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार ये घटना हुई सिखापन देने वाली, और श्री जी दिल्ली से चल करके पहुंचे शाहजहांपुर। जब शाहजहांपुर पहुंचते हैं तो वहां पर आजूज माजूज ने जोर किया। आजूज माजूज किसे कहते हैं? ये कुरान का वर्णन है, लाक्षणिक वर्णन, जिसमें कयामत के निशान बताए गए हैं कि कयामत आएगा तो ऐसा होगा। उसमें आजूज को 100 हाथ का और माजूज को 1 हाथ का बताया गया है। आजूज सफेद रंग का एक चूहा है 100 हाथ का, और माजूज काले रंग का 1 हाथ का चूहा है। वास्तव में ये क्या है? ये दिन और रात है, सफेद और काला चूहा। 100 हाथ का इसलिए क्योंकि दिन में, जिसको आजूज कहा जा रहा है, दिन में मनुष्य की मनोवृत्ति 100 तरफ भागती है। 100 मतलब गिन के नहीं, 100 तरफ मतलब बहुत दिशाओं में। और रात को जब नींद आई होती है तो मनोवृत्ति एक तरफ होती है, इसलिए वो 1 हाथ। तो जहां जहां आजूज माजूज का वर्णन आएगा तो वहां समझ लीजिए कि दिन रात की बात हो रही है। और सांकेतिक रूप से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य की आयु कैसे हम नापते हैं, दिन और रात के आधार पर ही, दिन इत्यादि मिलकर के, दिन दिन मिलकर के, महीने 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 मिलकर के वर्ष होते हैं। तो जहां आजूज माजूज की बात आएगी तो वहां समझना कि वहां पर किसी की मृत्यु आई है या महामारी आई है, जिसको हम लोग साधारण रूप में यमराज कहते हैं या काल कहते हैं। काल आता थोड़ी है, काल कोई व्यक्ति थोड़ी है, काल का मतलब समय होता है, समय आ गया। तो यहाँ दिन और रात के रूप में समय है, तो काल का अर्थ भी हम मृत्यु से लेते हैं, यहाँ आजूज माजूज का अर्थ भी मृत्यु के रूप में ही होगा। तो अब हुआ क्या कि शाहजहांपुर बुढ़िया में जब सुंदर साथ ठहरे थे तो वहां मिर्गी का दौरा पड़ने लग गए, महामारी के रूप में, एक के बाद एक को इस तरह से होता ही जा रहा है। और इसी बीच नागजी भाई सुंदर साथ हैं, उनको मिर्गी के दौरे ने पकड़ लिया और ऐसा लगा कि ये बचेंगे नहीं। श्री जी ने क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि भरी वरद हस्त नागजी भाई के सिर पर रखा और उन्हें परम धाम की लीला का, उसकी शोभा का अनुभव कराया, और अपना जोश जिस इस प्रकार से दिया कि मृत्यु भी वहां पर, काल भी वहां पर हार गया। इस प्रकार नागजी भाई की रक्षा हुई। ये आड़ी का लीला है, ये राज्य की जाहिरी मेहर है। तो ये प्रत्यक्ष कृपा का वहां पर दर्शन किया। इस प्रकार अब नागजी भाई की रक्षा हुई। वहीं शाहजहांपुर में एक क्षत्रिय व्यक्ति रहते थे, उन्होंने भी श्री जी की ऊपरी पहचान की। ऊपरी पहचान क्या? मिहिरराज के रूप में, कि ये भी क्षत्रिय है। आज भी होता है ना लौकिक रूप से, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, आपको किसी से काम करवाना होता है तो पहले नाम वगैरह देखते हैं कि अच्छा इसका ये नाम है, ये सरनेम है, फिर कहेंगे कि भाई मैं भी राजपूत हूँ, तू भी राजपूत है, या मैं भी ब्राह्मण हूँ, तू भी ब्राह्मण है, मेरा काम कर दे, इस तरह से बोलते हैं ना।
तो इसी तरह ये लौकिक पहचान है, जान पहचान। तो जो एक क्षत्रिय थे उन्होंने भी यही पहचान की और उसी अनुरूप सेवा की, पर उनके कान में कुछ नहीं आया, अर्थात सेवा तो की लेकिन चर्चा में ध्यान नहीं दिया। और शाहजहांपुर बुढ़िया से ही श्री जी ने निर्मल दास जी के साथ में चार लोगों को खड़कारी नाम के राजा के पास भेजा कि क्या पता ये कुछ काम आ जाए सेवा में। वहां जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोई योग्य नहीं है, इसमें थोड़ी सी भी आध्यात्मिकता नहीं है। 10-12 दिन रह करके वहां से आकर के पुनः वो श्री जी से मिले। अब क्या हुआ कि शाहजहांपुर में ही रहते हुए वो जो 22 प्रश्न पहले दिल्ली में तैयार किए थे ना, उसको फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया और श्री जी ने भीम भाई तथा लालदास जी को आदेश दिया कि ये जो संदेश है परमात्मा का, ये पैगाम औरंगजेब तक पहुंचाया जाए। दोनों श्री जी के आदेश को सिरोधार्य करके जाते हैं, बुढ़िया से चल करके दिल्ली पहुंचते हैं लालदास जी और भीम भाई जी। लेकिन पीछे से श्री जी को मूल स्वरूप राज्य की अंतः प्रेरणा होती है कि अभी ये कार्य सफल नहीं होगा और उल्टा नुकसान होने की संभावना है, इसीलिए उन्हें वापस बुलाया जाए। उन्हें अभी ये संदेश देने के लिए मना किया जाए। तो कांजी भाई को श्री जी ने भेजा और जैसे ही लालदास जी और भीम भाई दिल्ली में प्रवेश करने वाले थे, कांजी भाई बहुत शीघ्रतापूर्वक जाते हैं और दिल्ली पहुंच करके इन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं कि श्री जी ने वो जो आदेश आपको दिया था वो रद्द कर दिया है और कह रहे हैं कि आप लोग अगर अभी जाएंगे तो आपसे कोई गलती हो सकती है, इसीलिए जब तक श्री जी वापस नहीं आ जाते तब तक इस विषय पर आगे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। अब इस पर कई सुंदर साथी प्रश्न कर सकते हैं कि लालदास जी और भीम भाई जी को भेजने का निर्णय तो गलत हुआ ना, क्योंकि औरंगजेब की जागनी अभी होनी ही नहीं थी। गलत निर्णय हुआ तभी तो उसको सुधारने के लिए कांजी भाई को भेजना पड़ा। तो श्री जी साक्षात अक्षरातीत हैं, वह ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, ऐसा किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। इसका समाधान यह है कि देखिए, तन मिहिर राज जी का है, ब्रह्मवाणी का जब अवतरण होता है, जब परमधाम की चर्चा करते हैं तो वहां राज्जी के आवेश के द्वारा वो लीला होती है, ब्रह्मवाणी के अवतरण की, ब्रह्मवाणी की चर्चा की। लेकिन हमेशा 2400 घंटे राज्जी की लीला नहीं चल रही होती है। उसी एक तन में मिहिर राज्जी का जीव भी है, इंद्रावती जी की आत्मा भी है, और जागने के लिए प्रयास कौन करता है? जीव। आत्मा दृष्टा है पर जीव आत्मभाव लेकर के प्रयास करता है। राज्जी तो प्रयास थोड़ी करेंगे, राज्जी को प्रयास थोड़ी करना पड़ेगा कि चलो कोशिश करके देख लेता हूं। राज्जी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, पर प्रयास करता है जीव, और ये उस जीव की और अधिक निर्मलता बनाता है। इंद्रावती जी ने भी तो अपने हिस्से का सूत कातना है, तो वो अपने तरफ से प्रयास करती हैं सूत कातने का, जागनी का। और चूंकि राज्य हृदय धाम में है तो किसी भी गलत निर्णय से पहले वो अंतः प्रेरणा दे देते हैं, और वो ये बात साबित करती हैं कि ताथे हुकम के सिर दोस्ते बैठ ना सके मोमिन। ब्रह्म सृष्टि राज्जी के हुक्म को दोष दे करके नहीं बैठी रहती है, वो तो अपना प्रयास करती रहती है। इंद्रावती जी ने भी यही किया। वो जीव मिहिर राज्जी वाला वो हाथ पैर मारता रहता है, प्रयास करता रहता है कि ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, पर किसी तरह से जागनी हो। तो ये उनका प्रयास था, ये मिहिर राज्जी का प्रयास था, और राज्जी ने अंतः प्रेरणा से लालदास जी और भीम भाई जी की रक्षा की, और इस प्रकार उन दोनों को संदेश देने से रोक दिया गया। श्री जी 1 महीने तक शाहजहांपुर में रहे बुढ़िया में, और 1 महीने तक वहां रहने के बाद चले गए हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में वह समय था विक्रम संवत 1735 का, और कुंभ का मेला लगना था।
महाकुंभ का। महाकुंभ का मेला क्या है? देखिए, पौराणिक कथानक जो समाज में प्रचलित है, कहा जाता है कि देवताओं और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था और समुद्र के मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। 14 रत्न तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बीतक की टीका में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, कहीं से भी। वो 14 रत्न कौन कौन से हैं? कहते हैं कि उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा वहां से निकला, उसे भी देवताओं ने रख लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने रख लिया। इसी तरह से रंभा नाम की अप्सरा निकली, पारिजात जो कल्प वृक्ष है वो निकला, धन्वंतरी वैद्य अंतिम में निकले। 14 भिन्न भिन्न रत्न निकले, कौस्तुभ मणि से लेकर के अलग अलग चीजें निकलती। इसी बीच हलाहल विष भी निकला, जिसको शिवजी ने ग्रहण किया ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने कंठ में रखा, अंदर जाने नहीं दिया, इसलिए उनको नीलकंठ नाम पड़ गया ऐसा कहते हैं। और अंत में धन्वंतरी वैद्य घड़े में कलश लेकर के निकलते हैं और कहते हैं कि देवताओं में से एक उस घड़े को लेकर के भागते हैं आकाश मार्ग से। देवता और राक्षस सभी उस अमृत कलश के पीछे हैं, भागते 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 आकाश मार्ग से। 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदे गिरती है और निशाना पक्का था, नदी में ही गिरा, बाहर नहीं गिरा। वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग जिसको इलाहाबाद कहा जाता है आधुनिक युग में, नासिक और उज्जैन। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, इन 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदे गिरी और इन स्थानों पर 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का मेला लगता है। बीच बीच में 6-6 वर्ष में अर्धकुंभ भी होते हैं। तो इस प्रकार कुछ कुछ वर्षों में मेले लगते रहते हैं और वहां लोग इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि यहां हम डुबकी लगाएंगे तो अमृत मिलेगा, हम अमर हो जाएंगे। वास्तविकता क्या है, इसकी तरफ किसी ने विचार नहीं किया। आज भी कुंभ का मेला लगता है तो लाखों लोगों की भीड़ होती है, 20-25 लाख लोग होते हैं। 2016 में उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगा था और 1 महीने से अधिक समय तक का था। वहां मैं पूरे 1 महीने रुका और हम साथ में लगभग 100-150 सुंदर साथ थे। प्रचार प्रसार के लिए रुके थे, साहित्य इत्यादि वितरण के लिए, चर्चा, सत्संग, वाद विवाद, इन सब के लिए राज्य की कृपा से तैयारी के साथ रुके थे। तो वहां हमने देखा कि कुंभ की परिस्थिति कैसी है और थोड़ा अनुमान लगाया कि उस समय कैसा हुआ होगा। आज की तरह तो सुविधाएं नहीं होंगी सारी, और आज की तरह सुविधा ढूंढने वाले लोग भी नहीं होंगे। आज तो लोगों को जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलती रहती है उतना कम पड़ता रहता है, पर उस समय तो सरकार ने लगभग हर प्रकार की व्यवस्था, टेंट हाउस से लेकर के शौचालय से लेकर के स्नान घर, औषधियां, ऐसी सारी व्यवस्था कर रखी थी। तो वहां 1 महीने में हमने अंदाज लगाया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, लोग ऐसा ऐसा करते हैं डुबकी लगाने के लिए। और होता क्या है कि जो मुहूर्त निश्चित होता है, 1 महीने का था कुंभ का मेला, तो मेरे विचार से 5 या 6 मुहूर्त ऐसे शुभ मुहूर्त आए थे और उन मुहूर्त में लोग डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाने में भी सबसे पहले कौन डुबकी लगाएगा इस पर विवाद होता है। और विवाद का हल ऐसे निकाला जाता है कि जितने भी अखाड़े हैं हिंदुओं के, अखाड़े मतलब जितने भी संप्रदाय के संस्थाएं हैं, उन में से जो अखाड़ा सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़े पद पर होगा, वो सबसे पहले डुबकी लगाएगा, बाकी लोग बाद में डुबकी लगाएंगे। ऐसा इस तरह से निर्णय निकाला जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से। खैर, तो पहले ये समझते हैं कि समुद्र मंथन क्या है, फिर डुबकी लगाने का कारण
प्रयोजन और फिर उसका परिणाम सब समझते हैं। मंथन का मतलब क्या होता है? कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं ना, जैसे दूध में मंथन करके क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। समुद्र मंथन कहाँ पर हुआ? ऐसा नहीं कि ये जो खारा समुद्र है ना वहां जाकर के मंथन होने लग गया, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तो लाक्षणिक आलंकारिक वर्णन है। संसार रूपी सागर का मंथन हुआ है, जिसको हमने भवसागर कहा है। और जब संसार रूपी सागर का मंथन होता है तो यहाँ पर संसार में तो अच्छी चीजें भी मिलेंगी, बुरी चीजें भी मिलेंगी, है कि नहीं? अब आप खुद सोचिए ना कि ये हाथी और घोड़ा पानी के अंदर क्या कर रहे थे। उच्चस्रवा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है या अप्सरा है, वो पानी के अंदर क्या कर रही थी, है ना? तो ऐसा तो नहीं कि वो समुद्र के अंदर डूबे हुए थे, ऐसा नहीं है। इस संसार में खोजने पर अच्छी चीजें भी मिलती है, बुरी चीजें भी मिलती है। और जो देवता है जिनमें दिव्य गुण है, उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होती है उनके गुणों के आधार पर। और जो दैत्य हैं वो बुराई ही देखते हैं, वो अमृत की जगह पर शराब पीना चाहते हैं, सुरा का आसव का पान करना चाहते हैं। लेकिन जो योगी होता है उसे न अच्छाई चाहिए न बुराई चाहिए, वो अच्छे बुरे से परे हो जाता है। वो अच्छाई को भी हजम कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो बुराई को भी ग्रहण कर सकता है। इसीलिए शिवजी योगी राज है। अतः उन्होंने क्या किया, विष को भी ग्रहण किया। विष सच में जहर नहीं पिया उन्होंने, पीने की क्या जरूरत थी, फेंक देते। जब समुद्र में इतने वर्षों से रहते हुए कुछ हुआ नहीं तो नहीं पीते तब भी कुछ थोड़ी होता। पर इसका भाव यह है कि शिव जी ने संसार की बुराइयों को भी अपने अंदर समेट लिया और कंठ में ही रखा, हृदय में नहीं जाने दिया। अर्थात उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो योगेश्वर है। तो ये आलंकारिक वर्णन है। और जब संसार में खोजा जाता है तो खोजते खोजते ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान ही, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या ही वास्तव में अमृत है। ऐसी कोई बूंदे नहीं है कि जिसको पिया जाए और अमर हुआ जाए। वरना अगर नदी में अमृत की बूंदे पड़ी होती तो उस नदी के जो जलचर है वो अमर हो जाते। और अगर वो अमर होते तो इतने हजारों लाखों वर्षों में उनकी आकृति कितनी बड़ी होती, पूरे विश्व पर उनका कब्जा होता। समझ रहे मेरी बात? तो वास्तव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या वो अमर हो जाते या फिर बहते हुए वो जो अमृत की बूंदे है वो जाती सागर में, तो सागर के जलचर अमर हो जाते। वहां डुबकी लगाने पे थोड़ी मिलेगा। इसलिए अमृत, अमृत क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। वेद का क्या क्या कथन है? विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदौ उभयम् सह अविद्यया मृत्युम तिर्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। क्या अमृत क्या है? विद्या, ब्रह्म विद्या ही वास्तव में वह अमृत है, जिसका सेवन करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त होता है। अमरत्व का मतलब ऐसा नहीं कि उसका शरीर अमर हो जाता है, पर जन्म और मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए वेद का क्या कथन है? तमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानम धीरम अजरम युवानम। उस परब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के डर से रहित हो जाता है। तो वो ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म ज्ञान वास्तव में अमृत है। इसलिए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का भी जो लोगो है उसमें ये नारा दिया गया है कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। उसके अलावा तो मुक्ति संभव ही नहीं है। आप चाहे हरिद्वार और प्रयागराज में जाकर के गंगा में डुबकी लगाएं, चाहे नासिक में जाकर के गोदावरी में डुबकी लगाएं, चाहे नर्मदा में डुबकी लगाएं, चाहे आप उज्जैन में जाकर के क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएं, या आप यमुना नदी में डुबकी लगाएं, नदी में नहाने से, डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किससे होगी? रीते ज्ञानात न मुक्ति। कपिल मुनि क्या कह रहे हैं सांख्य दर्शन में कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव है ही नहीं।
नदी में नहाने से शरीर का मैल साफ हो सकता है। गंगा जाते हैं लोग, नहाते हैं, और विशेष रूप से उन मुहूर्तों में ये कह करके कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। पाप शरीर करता है कि मन, आप बताइए। पाप शरीर के द्वारा नहीं होता है, पाप मन के द्वारा होता है, विचारों के द्वारा होता है। शरीर उसमें सहायक मात्र है, शरीर उसमें साधक है, साधन है, लेकिन पाप विचारों के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर है, वो किसी मनुष्य की चीर फाड़ करता है बचाने के लिए, और एक लुटेरा है, वो किसी मनुष्य की चीर फाड़ करता है, किस लिए करता है, मारने के लिए करता है। दोनों चीर फाड़ कर रहे हैं, पर एक को भगवान कहा जाएगा जो डॉक्टर है, और दूसरे को हैवान कहा जाएगा। दोनों में फर्क किस बात का है, दोनों तो चीरफाड़ कर रहे हैं ना। तो शरीर ने जो कर्म किया वो दोनों के एक जैसे हैं, पर मन में भावनाएं दोनों की अलग अलग है। एक की भावना बचाने की और एक की भावना मारने की है। इसलिए पाप और पुण्य शरीर से नहीं होता है, पाप और पुण्य मन से होता है, विचारों से होता है। और नदी का जल आपके विचारों को नहीं धो सकता है, नदी का जल आपके शरीर को धो सकता है। इसलिए नदी में नहाने से मुक्ति नहीं होती है। हाँ, किसी किसी नदी में औषधीय गुण होते हैं, आपके शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। हरिद्वार के निकट जो गंगा नदी है, उसका पानी जब स्वच्छ होता है तो पीने लायक होता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जमीन से पानी निकलती है, वहां पर गंधक और पोटास का स्रोत होता है, वहां जब आप नहाते, अच्छा आपको लगता है कि यहां से उबलता हुआ खौलता हुआ पानी है, वो खौलता हुआ पानी किस कारण से है, गंधक और पोटास के कारण, ठीक है। जब वो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो वो गर्म हो जाता है, वो तो एक साइंस है, केमिस्ट्री है। हाँ, जब उस जल से नहाया जाता है तो आपके चर्म रोग दूर हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम है जितनी भी वो दूर हो जाती है, इतना तो लाभ है। लेकिन नदी में नहा करके मुक्ति संभव नहीं है। अगर मुक्ति संभव होता तो सबसे पहले मछलियों को, मेंढकों को, मगरमच्छ को, कछुओं को, सबको मिलना चाहिए था, पर ये मुक्त नहीं होते। मनुष्य की भी मुक्ति नहीं होगी, मनुष्य के पाप तो नदी में नहाने से धुल ही नहीं सकते। पाप कैसे धुलेंगे, करना बंद कीजिए और पुराने वाले का प्रायश्चित कीजिए, और उसके अलावा प्रायश्चित करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो फिर वो फल भुगतना पड़ेगा। वरना कृष्ण जी ये नहीं कहते कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, आप जो कर्म करते हैं वो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक बार एक कथा आती है, कहते हैं कि नारद जी ने मन में सोचा कि सब लोग अपना पाप धो करके आते हैं गंगा जी के पास, गंगा जी उस पाप को कहाँ रखती है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। गंगा जी के पास जाकर के पूछते हैं कि सब आपके पास पाप दे करके जाते हैं, आप क्या करती हो, कहाँ रखती हो। गंगा जी ने कहा मैं क्यों रखूं, मैं तो समुन्दर को दे आती हूँ। वो सागर के पास गए, सागर को पूछा कि जो गंगा जी पाप आपके पास दे के जाती है, आप उस पाप को कहाँ रखते हो। उन्होंने कहा कि जब तेज धूप में मेरा जल भाफ बन के बादलों के रूप में जा रहा होता है तो मैं उनके साथ साथ भेज देता हूँ, तो पाप कहाँ गए, बादलों के पास। फिर उन्होंने सोचा बादल कहाँ रखते हैं, बादलों को पूछा कि कहाँ रखते हो, तो बोलते हैं कि मैं क्यों रखूं, जिस जिसका होता है उसके ऊपर बरसा के आता हूं, आज हुई ना बारिश, ठीक है। तो इस तरह से पाप जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होते। हाँ, चाणक्य क्या कहते हैं, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। आपको बताए, एक बछड़ा है और हजारों गायों के बीच में भी अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपनी माँ को ढूंढ करके अपनी माँ के पास वो जा सकता है। तो जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों के होते हुए भी
अपनी माँ के पास चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म भी घूम फिर करके उसके पास आ जाते हैं। ये चाणक्य का कथन है। तो पाप धुलने से नहीं धुलते, और कोई भी धर्मग्रंथ ऐसी अनुमति नहीं देता। आजकल पता है, एक मत है, जैसे ईसाई मत है, ईसाई मत के लोग कहते हैं हिंदुओं को कि देखो, हम सबके पाप को धोने के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपना खून बहाया है, इसलिए तुम ईसा पर विश्वास लेकर के आओ, तुम बाइबल पर विश्वास लेकर के आओ, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो मुझे लगा होगा, नहीं लगता होगा, लेकिन पता तो किया जाए एक बार बाइबल क्या कहता है। ये तो ईसाई कह रहे हैं ना, ईसाई की बात मानेंगे कि बाइबल की बात मानेंगे? बाइबल की। तो मैंने बाइबल खोला, तो बाइबल भी मुझे मिला, उसमें ऐसा लिखा है कि जो बैल को मारता है, सुअर को मारता है, या किसी भी जानवर को मारता है, उसको इंसान को मारने के बराबर का ही पाप लगता है। ठीक है। अच्छा, उसमें पूरे पापियों की लिस्ट बनाई हुई है एक जगह पर, एक छोटी सी पुस्तिका है, राज्य की कृपा से मैंने लिखने का प्रयास किया था, शाश्वत सत्य की ओर, उसमें मैंने ये पंक्ति दी है बाइबल की, ये उदाहरण दिया है, उसमें क्या क्या करने से पाप लगता है वो सारे लिस्ट दिए हुए हैं। अगर पाप लगता है तो फिर ईसा मसीह ने कैसे धुल दिया? तो रॉन्ग नंबर हुआ ना। इसी प्रकार कोई भी संप्रदाय अगर ये कहता हो, कोई भी संप्रदाय, कि हमारे संप्रदाय को मानोगे तो पाप नहीं लगेगा, और दूसरे संप्रदाय वाले अच्छे काम करने वाले, अच्छे भी काम करते होंगे, तो उनको तुम शैतान कहोगे, तो ये समझ लो कि ये तुम धर्म विरुद्ध बात कर रहे हो। एक उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पूरी दुनिया के लोग ईसाई हो जाते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं। क्या क्रिश्चियन आपस में झूठ नहीं बोलते होंगे? जैसे मान लो अमेरिका जैसे देश हैं, या इंग्लैंड जैसे, यूरोप जैसे देश हैं, कितनी हत्याएं करते हैं, उनमें भी तो आपस में लूटमार, हिंसा, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। वो तो ईसा मसीह पर ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, तो आपस में जो पाप होता है वो लगता है कि नहीं लगता है? लगता ही है। सारे ईसाई हो जाएंगे तो फिर अगर पाप नहीं लगेगा तो एक बार सब ईसाई बन जाओ, फिर एक दूसरे को मार के खत्म कर दो, पाप लगेगा नहीं। ठीक है। तो वास्तविकता ऐसी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक गलत रास्ता बनाया है कन्फेशन के नाम पर। कहते हैं कि तुम चर्च में जाओ, चर्च में जाकर के कन्फेस करो और माफी मांगो, अपने किए की माफी मांगो ईसा से, जीसस से, तो तुम्हें माफी मिलेगी। लेकिन वो भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वास्तविकता ये है कि एक कहावत कही जाती है, सॉरी इज नथिंग विदाउट चेंज। अगर आप मुंह से सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते, तो वो सॉरी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है उसका तात्पर्य। इसी तरह से आप मुंह से तो कह देते हैं कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन बदलाव नहीं लाते स्वयं में, तो क्या होगा? वो तो फिर दादागिरी हो गई ना, कि मेरे से गलती हो गई। तो ये किसी भी संप्रदाय में स्वीकार्य नहीं है। तो पाप कर्मों को धोने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, केवल इतना है कि उसको करना बंद कर दिया जाए। कुछ लोग श्री कृष्ण जी के नाम पर भी इसी तरह से भ्रम फैलाते हैं। गीता में एक कथन है, ठीक है, गीता में कृष्ण जी कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर प्रकार के पाप से मोक्ष दिलाऊंगा। इसका मतलब तो आसान हो गया ना, पाप करे कृष्ण जी के पास जाए, जैसे ईसाई कर रहे थे वैसे ये भी कर रहे हैं, पर इसका भाव वो समझ नहीं पाए। कृष्ण जी कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करके कृष्ण जी की शरण में जाना है। कृष्ण जी की शरण में जाने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी ने जो कुछ कहा है उसको मानो, और अगर तुम कृष्ण जी की बात मानते हो तो तुमसे पाप हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है पाप। तो इस तरह से मुक्ति मिलती है। अगर वैसे सीधे सीधे मुक्ति मिलती तो कृष्ण जी खुद गीता में ये नहीं कहते कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।
सोचिए कि कर्म के बंधन से तो स्वयं कृष्ण जी भी नहीं बचे ना। एक तरफ तो आप ही लोग ये कथा सुनाते हैं कि उनके पैर में जो तीर लगा था वो कैसे लगा था, किसने मारा था तीर। आप कहते हैं कि बाली को उन्होंने पूर्व जन्म में छिप करके मारा था और छिप करके मारने की वजह से उस कर्म के फल स्वरूप उनको बाली ने अगले जन्म में बहेली के रूप में आकर के तीर मारा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कर्मफल भगवान को भी लग रहा तो वो कैसे मुक्ति दिला देंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी की कही हुई बात का अगर अनुसरण करते हैं तो आपको पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। और पाप कर्म से मुक्ति नहीं, उन्होंने तो क्या कहा है, पाप से ही नहीं पुण्य से भी मुक्ति दिलाएंगे। पुण्य से मुक्ति दिलाने का क्या भाव है? देखिए, पाप कर्म के फलस्वरूप दुख भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म के फलस्वरूप भी हमें उस सुख को भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। पर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने केवल पुण्य ही पुण्य किया हो, तो मिश्रित सुख मिलता है, समझ रहे हैं? तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा सुख भोगने के लिए भी। तो पाप और पुण्य से मुक्त होने का तात्पर्य है अब न जन्म लेना पड़ेगा न मृत्यु होगी। इस तरह से मुक्ति की धारणा है, इस तरह से पाप से मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हरिद्वार में जाकर के लोग डुबकी लगा रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में लोग डुबकी लगा रहे हैं तीर्थ कहते हुए, तो ये सभी अंध परंपराएं हैं। पर हाँ, इन सब मेलों का कुछ तो औचित्य है, इन सब मेलों का कुछ तो तात्पर्य है। इसके विषय में हम अभी, क्योंकि प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। पर अभी क्या है, अभी कह रहे हैं हरिद्वार में श्री जी पहुंचे हैं, सालीवाहन का 1600 वर्ष पूरा हुआ है, साका सालीवाहन का 1600 पूरण, और विक्रम संवत हुए हैं 1735। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ है, कारण मैंने आपको बताया, डुबकी लगाने का कारण भी और कुंभ मनाने का कारण भी। और उस कुंभ के मेले में हर समाज के वर्ग के प्रतिनिधि आए हैं। कौन कौन आए हैं? हरिद्वार के मेला में चार संप्रदाय ताही, चार संप्रदाय वैष्णव मत के चार संप्रदाय, रामानुज, निमानुज जिसको निम्बार्क भी कहा जाता है, विष्णु श्याम और माधवाचार्य, ये चार संप्रदाय हैं। फिर षट दर्शन भी तहां मिले, छह दर्शन के आचार्य भी वहां पर हैं। छह दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये छह दर्शन है। छह दर्शन के आचार्य अर्थात उस समय के आचार्य, छह दर्शन लिखने वाले नहीं, जैसे सांख्य दर्शन लिखने वाले कपिल मुनि है तो वहां कपिल मुनि नहीं आए हैं। 1735 में जो दर्शन के प्रमुख आचार्य थे वो वहां पर आए हुए हैं। इसी प्रकार दस नाम सन्यासी भी आए हुए हैं। दस नाम सन्यासी कौन है? देखिए, हर युग में सन्यास मत के प्रतिनिधि के रूप में कोई ना कोई हुए हैं। जैसे सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को सन्यासियों के प्रतिनिधि माना गया है। त्रेता युग में वशिष्ठ, शक्ति और पराशर, द्वापर युग में सुखदेव और व्यास तथा कलयुग में गौड़, गोविंद और शंकर, शंकराचार्य जी के चार शिष्य हुए, जिन चार शिष्यों के लिए चार मठों की स्थापना कर दी गई, और उन चार शिष्यों के जो शिष्य हुए दस, उनके नाम से सन्यास मत में दस नाम चला है, जिसके बारे में आगे थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। वो दस नाम कौन कौन से हैं? तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती और सरस्वती, ये दस नाम है। इसके बाद चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चार वर्णों के बारे में तो आप सुन चुके हैं पहले ही अच्छी तरह से, चार आश्रम कौन कौन से आपको पता तो चल गया, पर इनकी आवश्यकता क्यों?
उम्र के आधार पर व्यवस्थापन की दृष्टि से चार आश्रम बनाए और चार आश्रमों के नियम बनाए। सिर्फ कैटेगरी नहीं, उसका नियम भी, कि अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसके लिए ये नियम पालन करना अनिवार्य है, गृहस्थियों के लिए ये नियम है, वानप्रस्थियों के लिए ये नियम तथा सन्यासियों के लिए ये नियम। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में रह करके सांगोपांग वेद सीखना अनिवार्य था। अब आप में से किसी के दिमाग में कल से आ रहा होगा कि ये सांगोपांग कह रहे हैं, ये क्या होता है? सांगोपांग का अर्थ होता है स अंग उपांग, ये संधि होने पर सांगोपांग होता है। स मतलब साथ में, अंग और उपांग साथ में अध्ययन करना वेद के साथ। तो अंग और उपांग क्या है, देखिए 6 दर्शन हो गए, ये उपांग में आते हैं और अंग में क्या आते हैं, 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण, ये उपांग है, ये अंग है। तो इस तरह से 6 अंग 6 उपांग के साथ में वेदों का अध्ययन करना, उपवेदों का अध्ययन करना, ये ब्रह्मचारियों के लिए था। और गृहस्थियों के लिए, अब क्योंकि अध्ययन कर चुके हैं, योग्यता आ चुकी है, यदि किसी की इच्छा सीधे सन्यास मत में जाने की है, समाज का धर्म का कल्याण करने के लिए, तो वो सन्यास मत में जा सकता था, अन्यथा उसे विवाह करके धर्म पूर्वक गृहस्थ में रह करके कमाई करके ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासियों का पालन पोषण करना होता था, साथ में अपनी संतान का भी पालन पोषण करना होता था। 25 वर्ष तक प्रारंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचारी, अगले 25 वर्ष तक गृहस्थी, उसके बाद अब वानप्रस्थी बनने का समय आ गया। जब गृहस्थी व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहा होता है तो उसका जो पुत्र है वो ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ में प्रवेश कर रहा होता है, तो उसकी संतानें अब गृहस्थी हो रही है, तो अब उनके ऊपर की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो अब वानप्रस्थ व्यक्ति घर में रहता है, घर में रह करके अब भोजन का भी नियम है उसके लिए कि इतना ही भोजन कर सकता है, उसके अधिक भोजन नहीं कर सकता है। स्वाध्याय नियमित करना अनिवार्य है, स्वाध्याय तो गृहस्थियों के लिए भी अनिवार्य था। जब ब्रह्मचारी आश्रम में लोग प्रवेश करते थे तो उन्हें प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, कोई बहानेबाजी नहीं करनी है, नियमित रूप से करनी है, संध्या प्रतिदिन करनी है, हवन करना है, इस तरह से पहले यह नियम बनाया जाता था। और ये नियम गृहस्थियों के लिए भी, वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के ये नियम थोड़े और अधिक हो जाते हैं और सन्यास आश्रम में जाने के बाद ये सारे नियम ही पहले के समाप्त हो जाते हैं। और सन्यासियों के लिए और कठिन नियम लगता है कि किसी भी जगह पर अनावश्यक रूप से 3 दिन से अधिक नहीं ठहरना, चलते रहना, भिक्षा मांग करके दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करना और जहां भी भिक्षा लेना वहां पर उपदेश देना, जहां जाना ठहरना वहां पर धर्म का प्रचार करना, इस तरह से सन्यासियों का धर्म होता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं। तो ये 4 आश्रम बनाए गए हैं समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। 4 वर्ण भी इसीलिए बनाए गए थे कि जो वेद पढ़े, अर्थ सहित, अंग उपांग सहित जो वेद को पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं, यज्ञ का मतलब होता है जो हवन करते हैं उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। उसके अलावा राष्ट्र के उत्थान के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब अश्वमेध यज्ञ में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से पर्यावरण के भले के लिए जो कुछ किया जाता है वो गोमेध यज्ञ में आता है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, जो हम यहाँ पर चर्चा इत्यादि सुन रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है, जो अग्नि में आहुति दी जाती है वो द्रव्य यज्ञ है। तो इन सभी प्रकार के यज्ञों को करने वाला कराने वाला हो, और जो दान पर चले, अर्थात जो प्रसन्नता पूर्वक यजमान दे दे उस पर अधिक लालच ना करे, और स्वयं तो दान पर चले, इसी तरह से कोई योग्य व्यक्ति हो तो उसको दान दिलाए भी, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है फिर। आज तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के लोग व्यापार कर रहे हैं,
करने में कोई बुराई नहीं है, पर फिर ये तो मत कहो कि हम ब्राह्मण हैं तो श्रेष्ठ हैं, तुम वैश्य हो शूद्र हो तो तुम नीच हो, कर्म तो तुम वैश्य का ही कर रहे हो, ठीक है। या तो फिर अगर श्रेष्ठ कहलाना है तो उस धर्म का पालन करो। ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ब्राह्मण ने समाज के कल्याण के लिए, समाज को ज्ञान देने के लिए धन का लोभ परित्याग किया, तो त्याग का सम्मान होता था। बाकी लोग तो कमाते थे ना, लेकिन ये तो केवल दिए गए दान पर निर्भर थे और ये मांग भी नहीं कर सकते थे कि इतना दान चाहिए, जितना मिले उसी पर गुजारा करना होता था। इसी तरह से क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा करे, कमजोरों की दुर्बलों की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। राष्ट्र के सीमाओं की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करे वो वैश्य है। और जो बाकी अन्य सेवाएं करे, शारीरिक परिश्रम करे, बौद्धिक परिश्रम कम हो, शारीरिक परिश्रम अधिक हो, मेहनत मजदूरी साफ सफाई पाचन इत्यादि का जो भी काम है, भोजन इत्यादि पकाने का, तो ये सारा काम करने वाला शूद्र होता था। पर इसमें कोई नीचा ऊंचा नहीं होता था, सबके कार्यों को सम्मान दिया जाता था। तो इस प्रकार हरिद्वार के कुंभ के मेले में चार संप्रदाय, छह दर्शन, दस नाम सन्यासी, चार वर्ण, चार आश्रम, सभी के प्रतिनिधि वहां पर प्रस्तुत हैं। और जिनमें से जिन्होंने श्री जी को देखा, देखते हैं कि ये तो गृहस्थों की वेशभूषा में है और काफी लोग हैं इनके पास, और क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग सुंदर साथ को तो दिल्ली में छोड़ के आए थे, तो श्री जी के साथ सब जवान थे। और उस समय क्या होता था, औरंगजेब का समय, जहां कहीं भी हिंदू तीर्थ इत्यादि में मेले लग रहे होते थे तो औरंगजेब वहां पर आक्रमण करके मेले को भंग कर देता था, परेशान करता था। तो इन लोगों को क्या लगा कि ये तो कोई भी वेशभूषा हमसे मेल नहीं खाती, साधु संतों वाली वेशभूषा है नहीं और सब जवान है, कहीं ये औरंगजेब की भेजी हुई सेना तो नहीं है, ये उनको डर था। इसलिए अब डायरेक्ट वो पूछ नहीं सकते सीधे सीधे, तो उन्होंने कहा कि आपका जो आप तो किसी नए विचारधारा के मानने वाले लगते हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप हमारे मार्ग में नहीं हैं। तो श्री जी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम तो नए हैं, आप प्राचीन पुरातन हैं, तो आप अपनी बात अपनी विचारधारा हमें समझा दीजिए, और अगर आपकी विचारधारा हम समझे तो उस पर विश्वास कर लेंगे। इस तरह से श्री जी ने उन सभी लोगों से प्रश्न पूछा। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि वैष्णवों के चारों आचार्यों ने अपनी पद्धति क्या बताई, श्री जी ने उनसे क्या सवाल पूछा, इसी तरह से छह दर्शन के आचार्यों ने क्या क्या पद्धति बताई, संन्यास मत की पद्धति क्या है, सभी की पद्धति में श्री जी ने किस प्रकार प्रश्न पूछे, और फिर किस प्रकार श्री जी को उन्होंने प्रति प्रश्न पूछा, श्री जी को उन्होंने अपनी पद्धति पूछी, तो कैसे उन्होंने निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताई। पहली बार निजानंद संप्रदाय की पद्धति एक जगह पर बताई जाने वाली, इससे पहले कहीं पद्धति नहीं है। तो हमें ये जानना आवश्यक है, कोई भी व्यक्ति हमें पूछे कि आप निजानंदी हैं, निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो आपकी पद्धति क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, तो वो हम हरिद्वार के प्रसंग से जानते हैं, जिनकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातम, सो कहो हमें समझाए के, आपनो इष्ट जो धर्म, आपनो इष्ट जो धर्म। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज, प्रणाम।